तो फ्रेंड यह है रामायणा बिल्डिंग। इसी बिल्डिंग में सोनाक्षी सेना और शत्रुघ्न सेना अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। ये इनकी पूरी की पूरी बिल्डिंग शत्रुघ्न सेना की ही बिल्डिंग है। इनका ये घर मुंबई के जुहू इलाके पर स्थित है। तो फ्रेंड फाइनली हम लोग आ चुके हैं शत्रुघ्न सेना और इनकी बेटी सोनाक्षी सेना जी के घर के सामने। तो फ्रेंड ये जहाँ पर रामायण लिखा हुआ है यही है इनका घर का मेन गेट, और काफी अच्छे से इस घर को सजाया भी गया है और अंदर पूरा ग्रीनरी भी लगाया गया है, मतलब घर के आसपास भी पूरा हरियाली बनाया गया है। घर में गमले और अलग अलग तरीके के फूल पौधे भी लगाए गए हैं। इस रामायण बिल्डिंग को पूरा हरे भरे पेड़ पौधे से पूरे घर को सजाया भी गया है। तो देखिए घर के सामने यहाँ पर बड़ा पेड़ है जिसके कारण आपको घर सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा। अभी हम आपको थोड़ा अलग लोकेशन में हटकर भी आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये रामायणा बिल्डिंग है जिसे इन्होंने काफी सुंदर तरीके से बनाया है। तो फ्रेंड आपको ये जो आलीशान रामायणा बिल्डिंग देख रहे हो ये 10 मंजिला आलीशान बिल्डिंग है। तो और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग शत्रुघ्न सेना यानी कि सोनाक्षी सेना का ही है। जी हाँ फ्रेंड, ये ऊपर से नीचे तक बिल्डिंग उनकी है। सोनाक्षी सेना के घर का नाम रामायणा है और इनके पिता और चाचा के नाम पर इस घर का नाम रखा गया है। दरअसल शत्रुघ्न सेना के चार भाई हैं, उनके बड़े भाइयों का नाम राम लक्ष्मण भरत है और शत्रुघ्न सेना सबसे छोटे हैं। काफी अच्छे से इस घर को सजा के बनाया गया है। और आपको बता दें शत्रुघ्न सेना के दोनों बेटे का नाम भी रामायणों के कलाकारों के नाम पर ही रखा गया है। सोनाक्षी के दोनों भाई के नाम लव और कुश है। यहाँ पर देखिए इनके घर के बगल में ही रोहित शेट्टी का भी घर है जिसका नाम सिटी टावर है। उन्हीं के घर से सटे रामायणा इस बिल्डिंग में यहाँ पर सोनाक्षी सेना और शत्रुघ्न सेना अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। तो फ्रेंड इस घर में जो ये आलीशान बिल्डिंग देख रहे हो इसमें बहुत ही बड़ा जिम एरिया, स्विमिंग पूल, गार्डन सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए इनके घर के बगल में ही सेट्टी टावर है, मतलब इनके पड़ोसी रोहित शेट्टी हैं। और सेट्टी टावर के बगल में ही इनका ये रामायणा बिल्डिंग है जहाँ पर सोनाक्षी सेना अपने पिता शत्रुघ्न सेना और अपनी माँ पूनम सेना और अपने दोनों भाइयों के साथ इसी घर में रहती हैं। तो फ्रेंड आपको बता दें शत्रुघ्न सेना के पास करीब 220 करोड़ की चल और अचल संपत्ति है। शत्रुघ्न सेना के पास कुल मिलाकर करीब 2 अरब संपत्ति के खुद मालिक है। तो फ्रेंड आपको बता दें अगर आप लोग मुंबई आते हो और इनका घर देखना चाहते हो तो आपको बता दें सोनाक्षी सेना मुंबई के जुहू में 49 रामा एंड रोड नंबर 9 JBPT जुहू में रहती है। सोनाक्षी सेना की बात करें तो सोनाक्षी सेना की कुल संपत्ति करीब 78 करोड़ है। सोनाक्षी सेना ने हाल ही में मुंबई के बैंड्रा में सबसे महंगे इलाकों में 4 BHK का फ्लैट खरीदा है। उन्होंने ये घर खुद के पैसे से खरीदा है और अपना खुद का घर बनाने का सपना भी पूरा किया है। शत्रुघ्न सेना एक साल में करीब 12 से 15 करोड़ की कमाई आराम से कर लेते हैं। अगर वहीं पर सोनाक्षी सेना की कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास 3 बहुत ही अच्छी कार है। सबसे पहले कार है मर्सिडीज बेंज S350 जिसकी प्राइस है 1.42 करोड़, और दूसरी कार है BMW 6 Series GT जिसकी प्राइस है 75,90,000, और तीसरी कार है मर्सिडीज GLS 350D जिसकी प्राइस है 87,27,000। जी हाँ फ्रेंड, तो फ्रेंड आपको बता दें शत्रुघ्न सेना के पास मुंबई से लेकर पुणे, दिल्ली, गुरुग्राम और पटना तक 9 फ्लैट और बंगलो खरीद रखा है। इनकी कुल कीमत करीब 25.75 करोड़ है। इसके अलावा मुंबई जुहू में बना ये रामायण बंगलो भी मौजूद है। शत्रुघ्न सेना ने पटना में स्थित लव कुश टावर में 1.2 करोड़ का फ्लैट खरीदा है जिसे ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया करते हैं। इसके अलावा इनके पास पुणे में 5 करोड़ का वेयर हाउस भी मौजूद है। तो फ्रेंड आप लोग ये स्क्रीन में वीडियो देख रहे होंगे यही है सोनाक्षी सेना और शत्रुघ्न सेना जी का घर जो कि अपने आप में एक बहुत ही आलीशान बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग में वो अपने पूरे फैमिली के साथ रहते हैं। शत्रुघ्न सेना ने 1989 में मुंबई के मड आइलैंड में भी प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसकी कीमत 9.8 करोड़ है। वहीं उनकी वाइफ पूनम ने साल 2004 में पुणे में 15 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी। इसके अलावा देहरादून में भी इनकी जमीन है जिसकी प्राइस 60 लाख है। शत्रुघ्न सेना भी अपनी बेटी सोनाक्षी सेना की तरह कारों का शौकिंग रखते हैं। इनकी कार कलेक्शन में 26,000 रुपए की पुरानी कार से लेकर उनकी वाइफ पूनम के द्वारा 2013 में खरीदी गई 57 लाख की मर्सिडीज तक शामिल है। इसके अलावा इनके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर, इनोवा, महिंद्रा स्कॉर्पियो, होंडा एक्वार्ड, होंडा सिटी जैसी कार शामिल है। तो चलिए अब इनके बायोग्राफी के बारे में अच्छे से जानकारी देते हैं आपको, और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। आपको बता दें फ्रेंड शत्रुघ्न सेना का वास्तविक नाम शत्रुघ्न प्रसाद सेना है। इनको लोग शॉर्ट गन, शत्रु और बिहारी बाबू के नाम से भी जानते हैं, और ये एक भारतीय अभिनेता और राजनीतिज्ञ हैं। इनका जन्म 15 जुलाई 1946 को पटना बिहार में हुआ था। शत्रुघ्न सेना ने विनोद खन्ना, फिरोज खान और धर्मेंद्र जैसे दिग्गज अभिनेताओं के दौरान में बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी दमदार अभिनय से सभी को अपना दीवाना बना लिया। शत्रुघ्न सेना न सिर्फ एक अभिनेता बल्कि एक सफल राजनेता भी है और लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य रह चुके हैं। और शत्रुघ्न सेना के पिता का नाम भुवनेश्वरी प्रसाद सेना,
सेना है और माता का नाम श्यामा देवी सेना है। और इनके माता पिता के चार बच्चे हैं जिनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सेना है। शत्रुघ्न सेना अपने माता पिता के सबसे छोटे बेटे हैं। इनके पिता एक डॉक्टर थे और गवर्नमेंट कॉलेज हेल्थ फिजिक्स पटना के संस्थापक थे। और शत्रुघ्न सेना ने पटना के साइंस कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उनके पिताजी चाहते थे कि ये डॉक्टर बने, लेकिन उनकी रुचि अभिनय में थी। वो डॉक्टर नहीं बल्कि एक्टर बनना चाहते थे, तो इसी वजह से उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद पुणे से फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग में अपना करियर शुरू करने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया। शत्रुघ्न सिन्हा अपने अभिनय करियर में बहुत ही सफल हुए। एक समय ऐसा भी था कि हर निर्माता हर निर्देशक शत्रुघ्न सिन्हा को अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। हालांकि उनकी अभिनय करियर के शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं था। मुंबई में आने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्मों में रोल पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन कई बार ऑडिशन देने के बावजूद भी उन्हें किसी फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था। मुंबई में आने के कुछ दिनों के बाद शत्रुघ्न सिन्हा की मुलाकात देवानंद जी से हुई और देवानंद जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को अपनी अगली फिल्मों के रोल के लिए ऑफर किया। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा को और एक फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाने का मौका मिला। यह फिल्म थी साजन। यह फिल्म मोहन सागल की फिल्म थी। प्रेम पुजारी से पहले फिल्म साजन रिलीज हुई थी। इस वजह से साजन शत्रुघ्न सिन्हा की पहली रिलीज फिल्म थी। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत के दौर में कई फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई है, जैसे कि रामपुर का लक्ष्मण, वेलकम, भाई हो तो ऐसा, प्यार ही प्यार और कई अन्य फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के साथ साथ उन्होंने कई फिल्मों में जैसे खिलौना, दोस्त, गैम्बलर, आ गले लग जा और कई फिल्मों में इन्होंने सहायक अभिनेता की भूमिका भी निभाई और इन्होंने अपने शानदार एक्टिंग से लाखों का दिल जीता। मुख्य अभिनेता के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा की पहली सफल फिल्म 1976 में रिलीज हुई थी कालीचरण। कालीचरण ने शत्रुघ्न सिन्हा को रातोंरात सुपरस्टार बना दिया था। शान, काला पत्थर, रामपुर का लक्ष्मण, मेरे अपने, कालीचरण, नसीब, विश्वनाथ, जानी दुश्मन, बॉम्बे टू गोवा, नरम गरम, लोहा, क्रांति, ये सब फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा की कुछ बेहतरीन फिल्में हैं। शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के पहले अभिनेता हैं जो हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री के साथ साथ राजनीति में भी सफल है। जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड में बेहद सफल है, उसी तरह वो राजनीति में भी बहुत ही सफल है। बॉलीवुड में ऐसे बहुत ही कम अभिनेता हैं जो बॉलीवुड और राजनीति में सफल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने 1980 में पूनम सिन्हा से शादी की, जो एक अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ और एक फैशन मॉडल है। इसके अलावा वो साल 1968 में मिस इंडिया भी रह चुकी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा के तीन बच्चे हैं, जिसमें दो बेटे और एक बेटी हैं। और उनके बेटे का नाम है लव सिन्हा और कुश सिन्हा और उनकी बेटी का नाम है सोनाक्षी सिन्हा। लव सिन्हा एक अभिनेता है और उनकी बेटी जो है उनको तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जो एक मशहूर अभिनेत्री हैं। तो फ्रेंड, आप लोग कभी भी मुंबई आते हो या जुहू आते हो और आप लोग को शत्रुघ्न सिन्हा यानी कि सोनाक्षी सिन्हा जी का घर देखना है, तो आप लोग सबसे पहले महमूद हास्य कलाकार चौक में आना होगा। चौक में आते ही आपको वहीं पर सटे हुए सेटी टावर देखने को मिलेगा और सेटी टावर के बगल में ही आपको रामायण ये शत्रुघ्न सिन्हा यानी कि सोनाक्षी सिन्हा जी का बिल्डिंग देखने को मिलेगी, जहां पर ये लोग अभी भी रहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे CYU13 ब्लॉग चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।